नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट पूर में। हम लोग क्या देख रहे थे, झारखंड का भूगोल, और झारखंड के भूगोल के क्रम में 21 वीडियो अपलोड हो चुका है। आज क्या है, पार्ट 22 है, जिसमें से हम लोग देख रहे थे झारखंड के प्रमुख उद्योग। तो झारखंड के प्रमुख उद्योग जो है, उनमें से हम लोग लोह इस्पात के बारे में पढ़े थे। इसके जस्ट पीछे का वीडियो जो था, इसका पहला वीडियो, इसके पिछला वीडियो यानी पार्ट 21 में हम लोग देखे थे। और उद्योग का जो वीडियो है उसमें आज नेक्स्ट है, जिसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, तांबा के बारे में पढ़ेंगे। और झारखंड का संपूर्ण भूगोल जितना, मतलब पार्ट 21 तक, अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर प्लेलिस्ट से पूरा झारखंड का भूगोल देख सकते हैं। और वह क्या है, आपके सभी एग्ज़ाम के लिए JPSC और JSSC या JTET, झारखंड में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। कंटेंट आपका इस तरह से है कि JPSC हो, JSSC कोई भी एग्ज़ाम हो, इससे बाहर प्रश्न नहीं रह सकता है। क्वेश्चन बैंक और सारा एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। तो हम लोग इसके पहले लोह इस्पात का देख लिए थे, बोकारो देखे थे, और टाटा देखे थे, जिसको लोग टिस्को भी कहते हैं। अब हम लोग आज क्या देखेंगे, तांबा उद्योग के बारे में देखेंगे। इससे पहले, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए, अब देखेंगे तांबा उद्योग। तो तांबा उद्योग का देखिए, घाटशिला बहुत ही प्रसिद्ध है। झारखंड में तांबे का कारखाना, झारखंड में तांबे का कारखाना कहाँ पे है, घाटशिला में है। कहाँ पे है, घाटशिला में। तो ये पूछा भी जाता है, घाटशिला किसके लिए फेमस है, तांबे के कारखाना के लिए, तांबे के कारखाना के लिए। लेकिन अब ये एक सवाल यहाँ पे, घाटशिला कौन सा जिला में है, ठीक है, घाटशिला कौन सा जिला में है। तो घाटशिला जो है यह आपका पूर्वी सिंहभूम में है, याद रखेंगे पूर्वी सिंहभूम, क्योंकि ये सब सवाल क्या करता है एग्ज़ाम में, थोड़ा जैसे कि सचिवालय हो गया, JPSC हो गया, तो वहाँ डायरेक्ट हर एग्ज़ाम में यही थोड़ी पूछेगा कि घाटशिला किसके लिए फेमस है। ये जैसे कि यूरेनियम है ना, यूरेनियम तो जो जादूगोड़ा बहुत फेमस है, पूछता है जादूगोड़ा किसके लिए फेमस है, यूरेनियम के लिए। लेकिन अब ये भी पूछा लिया गया है बहुत सारे एग्ज़ाम में कि ये यूरेनियम के लिए फेमस जादूगोड़ा किस जिले में है, तो पूर्वी सिंहभूम में है। तो उसी तरह से घाटशिला जो, जहाँ पे तांबे का कारखाना है, यह आपका कहाँ पर है, पूर्वी सिंहभूम में है। अब आगे देखिए, भारतीय तांबा निगम, ये भारतीय तांबा निगम के अधीन कार्यरत है। कहने का मतलब, इस घाटशिला में जो फैक्ट्री है, तांबे का जो फैक्ट्री है, उसको जो रेगुलेट करता है वो कौन रेगुलेट करता है, भारतीय तांबा निगम। जिस तरह से हम आपको बताए थे इसके पिछले वीडियो में कि बोकारो में जो स्टील प्लांट है उसको रेगुलेट कौन करता है, सेल करता है, जिसका स्थापना 1973 में हुआ था। तो उसी तरह से घाटशिला में जो तांबे का फैक्ट्री है, इसको जो रेगुलेट करता है वह आपका भारतीय तांबा निगम है। अब आपको बताएंगे कि तांबा जो है ना, तांबा का सबसे ज़्यादा, वैसे तो तांबा का बहुत ज़्यादा यूज है, वैसे क्या है, तांबा का बहुत यूज है, लेकिन सर्वाधिक तांबा का जो यूज है वो पीतल बनाने में किया जाता है। जैसे कि आप 10th लेवल में पढ़े भी होंगे साइंस में, या फिर आप अगर साइंस का वीडियो देखना चाहते हैं, साइंस केमिस्ट्री, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तो प्लेलिस्ट से सभी वीडियो देख सकते हैं, वहाँ भी कुछ कुछ वीडियो बना है और वीडियो अपलोड भी होगा। तो पीतल में सबसे ज़्यादा तांबा का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि पीतल जो एक मिश्रण है, मिश्र धातु है, जिसे लोग बोलते हैं पिताजी, क्या बोलते हैं, पिताजी। तो पी से हो गया पीतल, पी से क्या हो गया, पीतल हो गया। और पीतल में दो धातु मिला है, पीतल मिश्र धातु है, किसका, पिताजी, पी से हो गया पीतल, और ता से हो गया तांबा, और ज से हो गया जस्ता, और से हो गया तांबा, और जैसे हो गया जस्ता। तो दो धातुओं का मिश्रण है पीतल, तो पीतल क्या है, मिश्र धातु है, और सर्वाधिक क्या है, तांबा है। तो ऐसा भी सवाल आता है कि तांबा का प्रयोग सर्वाधिक किस में होता है, तो तांबा का प्रयोग जो है सर्वाधिक किस में होता है, पीतल में होता है। प्रतिवर्ष जो टारगेट है, प्रतिवर्ष उत्पादन का जो घाटशिला कारखाना है, प्रतिवर्ष उत्पादन का टारगेट 2000 टन है तांबा का। अब ये आपका देखिए, ये एग्ज़ाम में आया हुआ झारखंड का SI में, ठीक है। भारत का प्रथम तांबा उत्पादक खान जिसको लोग खनन, जहाँ से लोग निकालते हैं खान, ठीक है, जैसे कोयला खान में निकलता है, जितने भी खनिज हैं, धातु अयस्क है, सब तो खान से ही निकलता है। तो भारत का प्रथम तांबा उत्पादक खान जो है वह पूर्वी सिंहभूम में है,
पूर्वी सिंहभूम में उस खान से मतलब पहली बार निकाला गया था थावा, और वो पूर्वी सिंहभूम जिला में कौन सा जगह में है, तो ये आपका मूसाबनी में है। कहाँ पर है? मूसाबनी में। याद रखेंगे, पूरा भारत की बात कर रहे हैं, झारखंड तो है ही है, पूरा भारत में पहली बार तांबा का जो उत्पादक खान है वो आपका मूसाबनी में किया गया था, निकाला गया था। और ये कब निकाला गया था? 1924 में, आज़ादी से भी पहले, देश की आज़ादी से पहले, ठीक है, 1924 में। अब क्या कहता है कि इस खानों से तांबा अयस्क, जो मूसाबनी खान है वहाँ से जो तांबा अयस्क निकाला जाता है, जो भी खनिज, जो धातु है, अक्सर हम बात करते हैं जितना भी धातु है वह अयस्क के रूप में निकलता है। जैसे कि लोहा, झारखंड में हम जब लोहा के बारे में पढ़ रहे थे, या क्या कहते हैं पार्ट 19-20 में, लोग क्या देखे थे, खनिज के बारे में देखे थे, झारखंड के खनिज संसाधन, तो लोहा में लोग क्या देखे थे कि लोहा के बहुत सारे मतलब अयस्क होता है, उसमें से हेमेटाइट क्या होता है, सर्वाधिक झारखंड में पाया जाता है। तो जितने भी धातु है वह अयस्क के रूप में प्राप्त होता है। और ये जो मूसाबनी खान से जो तांबे के अयस्क जो प्राप्त होता है वह रज्जू मार्ग होते हुए मऊ भंडरा भेजा जाता है, और मऊ भंडरा भेजकर उस फैक्ट्री में जाके, मऊ भंडरा में जाके क्या किया जाता है, बॉक्साइट को जो मूसाबनी से प्राप्त होता है उसे वहाँ शुद्ध किया जाता है। आप लोग देखेंगे भारतीय तांबा निगम ने ये 1930 में घाटशिला के पास, बोलिए या घाटशिला में ही बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, तांबा 1930 में तांबा शोधन केंद्र स्थापित किया था। तो आप यहाँ देखेंगे, आप ये 24 अलग है, 24 में पहला खान है, और ये क्या है, यहाँ पे 1930 में क्या उसका शोधन केंद्र है, कहाँ पे, घाटशिला में। ये दोनों में डिफरेंस है 24 और 30 में। इसके अलावा तांबा से जुड़ी दो प्रश्न और आता है एग्जाम में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, मतलब क्या हो गया आपका, तांबा हो गया। तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ये आपका कहाँ पर है, जादूगोड़ा में है, ठीक है। और इंडियन केबल कंपनी लिमिटेड ये आपका जमशेदपुर में है। तो जिस तरह से आप अभी देख रहे हैं कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ये आपका जादूगोड़ा में है, कॉपर का मतलब हो गया तांबा, तो उसी तरह से एक होता है जिंक, जिसको लोग जस्ता के नाम से कहते हैं। तो यह प्रश्न एग्ज़ाम में काफ़ी बार आया हुआ है, जैसे कि आपका पिछला जो रेवेन्यू हुआ था उसमें भी पूछा गया था झारखंड में जिंक लिमिटेड का केंद्र कहाँ पे है। तो आप कमेंट उसमें बताएंगे कि जिंक, हम तो आपको तांबा का बताएं, कॉपर लिमिटेड का केंद्र जो आपका जादूगोड़ा है, तो झारखंड में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड वो कहाँ पर है, ठीक है। तो अभी हम लोग तांबा के बारे में पढ़े, तांबा के बारे में क्या पढ़ लिए, घाटशिला में कारखाना है, और तांबा का प्रयोग किस में होता है, पीतल में बनाने में होता है। प्रतिवर्ष कितना टारगेट है, 2000 टन उत्पादन का टारगेट है। और पहली बार तांबा उत्पादन खान कहाँ पे था, मूसाबनी से निकाला गया था, और मूसाबनी कहाँ पर है, पूर्वी सिंहभूम में। कब निकाला गया था, 1924 में। और यहाँ से जो अयस्क निकलता है उसे मऊ भेंड्रा भेजा जाता है, जहाँ पर तांबा को शुद्ध किया जाता है। साथ में 1930 में घाटशिला में तांबा शोधन केंद्र स्थापित किया गया था। चलिए, तांबा हो गया। आप हम लोग देखेंगे एल्युमिनियम उद्योग, यह भी एक धातु है, एल्युमिनियम उद्योग। तो एल्युमिनियम के जो अयस्क है उसको एलुमिना भी कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, एलुमिना। तो एलुमिना जो है मतलब भारत में, अपने आप भारत में सब स्टेट हो गया केंद्र शासित प्रदेश मिला के टोटल 100% में से 16% जो है एल्युमिनियम का अयस्क झारखंड से प्राप्त होता है, या भारत में अगर बोला जाए तो 16% हिस्सेदारी जो है उत्पादन की दृष्टि से 16% हिस्सेदारी झारखंड का है, किसमें, एल्युमिनियम में। और इस तरह का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा है, कितना परसेंट है, परसेंटेज वाला क्वेश्चन आप, इसके पहले एग्जाम हुआ था झारखंड एक्साइज कॉन्स्टेबल का, उत्पाद सिपाही का, उसमें कोई भी धातु कितना प्रतिशत पाया गया, इस चैप्टर से लगभग 5 प्रश्न पूछा गया था। आप क्वेश्चन देख सकते हैं क्वेश्चन बैंक से, ठीक है। तो 16% याद रखेंगे कि 16% अयस्क जो है एल्युमिनियम का अयस्क झारखंड से जाता है भारत में। इसके बाद मुरी, रांची स्टेशन पहुंचने से जस्ट पहले का स्टेशन भी है, 3 किलोमीटर पहले आता है रांची स्टेशन से। तो मुरी जो है वो रांची में पड़ता है, आपको याद रखना होगा पहली बार कि मुरी कहाँ पर है, वो रांची में है। और मुरी जो रांची में है वहाँ पर क्या है, इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, एक लिमिटेड है इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, इस कंपनी लिमिटेड के द्वारा
1938 में मुरी में एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना हुआ था। ये प्रश्न काफ़ी एग्जाम में झारखंड का पूछा गया है। झारखंड जैसे कि मुरी में एल्युमिनियम उद्योग का स्थापना कब हुआ, तो 1938 याद रखेंगे, कब हुआ था 1938। आगे देखेंगे तो भारत का जो यो आप ये एल्युमिनियम उद्योग जो आप मुरी में देख रहे हैं झारखंड में जो है, यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा है एल्युमिनियम में, क्योंकि पहला जो है वो झारखंड में नहीं है, दूसरा है जो सबसे बड़ा है और सबसे पुराना है, याद रखेंगे। इससे पहले भी एक सेंट्रल लेवल में स्थापना हो चुका है जो इससे बड़ा है। आगे है लोहरदगा और पलामू। लोहरदगा और पलामू से बॉक्साइट प्राप्त किया जाता है, ठीक है, बॉक्साइट जो कि एल्युमिनियम का क्या है, एल्युमिनियम का क्या है, अयस्क है। तो लोहरदगा और पलामू से बॉक्साइट के रूप में कच्चे माल की प्राप्ति होती है। क्या होता है, कच्चे माल की प्राप्ति होती है। बॉक्साइट से क्या होता है, एलुमिना बनाकर, ठीक है, बॉक्साइट से यहाँ पे ये जो मुरी उद्योग है वहीं पे, ठीक है, बॉक्साइट से एलुमिना बनाकर देश के विभिन्न फैक्ट्रियों में, जैसे आपका हो गया अलमपुरम, अलवाई जो कि केरल में है, बेलूर आपका कलकत्ता में है, और लई जो कि मुंबई में है, कारखानों में भेज दिया जाता है। तो आपने देखा कि बॉक्साइट से एलुमिना बनाकर देश के जो विभिन्न कारखाना है वहाँ पर भेजा जाता है। इसके बाद हम देखेंगे कि एल्युमिनियम का उपयोग किस में होता है। तो एल्युमिनियम का उपयोग जो होता है वह आपका बर्तन बनाने में होता है, एल्युमिनियम का काफ़ी बर्तन भी बनता है। इसके अलावा सर्वाधिक जो फेमस है वह बिजली का तार में, बिजली का तार में कॉपर का भी बनता है और एल्युमिनियम का बनता है। ये सर्वाधिक जो तार, मतलब बिजली का जितना भी तार होता है दो ही रहता है, खास करके मतलब आपका एक एल्युमिनियम है और एक आपका कॉपर का ज़्यादा यूज होता है। फिर मोटर में होता है, रेल में होता है, और वायुयान, वायुयान में भी ये एल्युमिनियम का प्रयोग होता है। तो अभी हमने दो देखा, एक आप देखा तांबा, उसके बाद देखें क्या देखें एल्युमिनियम, और एल्युमिनियम के बारे में क्या देखें कि 16% झारखंड उत्पादन करता है, मुरी में स्थापना हुआ है एल्युमिनियम उद्योग, कब हुआ है 1938 में, और किसने किया है, तो इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड ने किया है, ठीक है। इसके बाद भारत का ये दूसरा बड़ा सबसे बड़ा उद्योग है झारखंड में, और लोहरदगा पलामू से जो बॉक्साइट प्राप्त होता है कच्चे माल के रूप में, ये बॉक्साइट से क्या होता है एल्युमिनियम बनाकर, सॉरी एल्युमिना बनाकर देश के जैसे कि आपका अलमपुरम, अलवाई, केरल, बेलूर, कोलकाता और लई मुंबई के कारखानों में भेज दिया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे एक और उद्योग के बारे में, वह उद्योग आपका है सीमेंट उद्योग। क्या है, सीमेंट उद्योग। तो सीमेंट उद्योग आपको पता है कि झारखंड में इसलिए फेमस है क्योंकि झारखंड में बहुत ज़्यादा पर्वत चट्टान है, और जहाँ पे चट्टान है वहाँ चूना पत्थर बहुत ज़्यादा मिलता है, और चूना पत्थर उसका क्या है, एक तरह से अवयव है, क्या कह सकते हैं, कच्ची सामग्री एक तरह से कह सकते हैं। तो चूना पत्थर बहुत ज़्यादा झारखंड में है, इसीलिए सीमेंट उद्योग का जो है सो उद्योग का क्या है यहाँ पर विकास संभव हो पाया है झारखंड में। इसके बाद कुछ कुछ क्षेत्र है जहाँ पे सीमेंट उद्योग है स्थापित है और उसके बारे में पूछा जाता है, उनमें से सबसे ज़्यादा फेमस है वह आपका एक खलारी है और झीकपानी है, हालांकि एक आपका खलारी है और जपला है जो सर्वाधिक प्रसिद्ध है, और यह रिपीटेड क्वेश्चन और ट्रेडिशनल क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। हालाँकि इनके अलावा इन चारों को आपको याद रखना होगा। तो उनमें से जपला, जपला जो है सीमेंट उद्योग जो है जपला में, ये बहुत ही फेमस है, और जपला ये कहाँ पर है, पलामू में, जपला कहाँ पर है, पलामू में। और इनके अलावा है झीकपानी, झीकपानी सीमेंट उद्योग जो है उद्योग ये आपका पश्चिम सिंहभूम में है। इसके बाद है खलारी, खलारी के बारे में एग्जाम में आ चुका है, ठीक है, तो खलारी सीमेंट उद्योग जो है आपका ये आप रांची में है, ठीक है, और सिंदरी में भी है, सिंदरी में हालांकि उर्वरक के बारे में भी है जो लोग आगे पढ़ेंगे, तो सिंदरी में जो सीमेंट कारखाना है सिंदरी कहाँ पड़ता है आपका, धनबाद में। इसके बाद इसका उप उत्पाद होता है जिस तरह से, तो उप इसमें यूज होता है उप उत्पाद के रूप में, वह आपका क्या होता है, स्लैग होता है और स्लज होता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि इसी में यूज होता है स्लैग और स्लज, कभी एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि स्लग और सलज जो है किस उद्योग का उप उत्पाद है, याद रखेंगे किसका है, सीमेंट उद्योग का है, ठीक है। और जो ये झीक पानी और लाफार्ज, झीक पानी आपका कहाँ पे है, पश्चिम सिंहभूम में है, और लाफार्ज जो है आपका पूर्वी सिंहभूम में, अर्थात वो जमशेदपुर में है। तो झीक पानी और लाफार्ज में जो सीमेंट कारखाना है वो लो इस्पात, जो बगल में आपका क्या कहते हैं लो इस्पात का जो भी अवशिष्ट होता है ना, उसी के अवशिष्ट पर आधारित दो उद्योग है, एक आपका झीक पानी है और एक आपका लाफार्ज है। तो अभी आपने तांबा के बारे में देखा,
एल्युमिनियम के बारे में देखा और सीमेंट के बारे में देखा कि सीमेंट उद्योग यहाँ पे क्यों ज़्यादा इतना संभावना, क्योंकि चूना पत्थर बहुत ज़्यादा पाया जाता है और चपला पलामू में है, पश्चिम शिमू जो कि झिकपानी और खलारी आपका रांची में, सिंदरी धनबाद में, और स्लैग और स्लज जो है सो उप उत्पाद है सीमेंट उद्योग का, और दो जो है किसी के क्या कहते हैं अवशिष्ट प्रदाधित है, एक झीक पानी है और एक लाफार्ज है। तो इस तरह से हम लोग आज तांबा और एल्युमिनियम और सीमेंट उद्योग के बारे में पढ़े, और इसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे, इसके पहले हम लोग पढ़े थे ये लोह एंड इस्पात उद्योग के बारे में। तो इसके बाद और भी जो उद्योग है जो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे अर्थात पार्ट 23 में देखेंगे, इनके अलावा अगर आप क्या कहते हैं जेपीएससी और जेएससी का लगातार तैयारी कर रहे हैं तो झारखंड का इतिहास का काफ़ी वीडियो अपलोड हो चुका है, प्लेलिस्ट से आप उनको भी देख सकते हैं। साथ ही मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें, मॉडर्न हिस्ट्री भी अपलोड है, तो आप प्लेलिस्ट से जाकर पार्ट 1 पार्ट 2 सीरीज की तरह से करके आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।